हम इस समय बड़वा कॉटेज रानीखेत में हैं। हमारे सामने बिल्कुल बाबा कालू सैयद की मज़ार है, इसी के साथ में नज़दीक में ही आर्मी सप्लाई डिपो का खूबसूरत सा मंदिर है। खास खास यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। और रानीखेत में पार्किंग की समस्या का एक नज़ारा ये भी है, जहाँ लोग खुले में गाड़ियाँ खड़ी कर रखे हैं। और यहाँ पर से मैंने महसूस किया है कई दफ़े कि हिमालय का बड़ा ज़ोरदार, बड़ा बढ़िया, बड़ा खूबसूरत नज़ारा, मनभावन नज़ारा दिखाई देता है। और हम अब हिमालय की तरफ पहुँच रहे हैं, और हिमालय की पहुँचते ही हमें सबसे पहले दर्शन होते हैं दर्शकों के, इसे आप और भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये त्रिशूल है, त्रिशूल की पहाड़ियां हैं। अभी कुछ मौसम ख़राब सा होने का प्रयास कर रहा है, और कुछ बादल त्रिशूल के ऊपर मंडरा रहे हैं और हिमालयन रेंज के ऊपर भी मंडरा रहे हैं। ये हिमालयन रेंज बाएं से लेकर के दाएं तरफ, जैसे हम हिमालय को देख रहे हैं, करीब करीब 400 किलोमीटर लंबी है। यह अद्भुत नज़ारा प्रकृति का, और साथ में एक ख़ास बात इस यहाँ पर से हिमालय की ये है कि ये वैली फेसिंग है। इसके बीचों बीच आप देख रहे होंगे कि वैली का नज़ारा भी है। वैली है यहाँ पर, घाटी है बासुली सिरा और बगवाली पोखर वगैरह, और यहाँ पर बड़ी अच्छी खेती होती है। इत्तेफाक से यहाँ पर से अगर हम सीधे हिमालय की तरफ जाएं तो इसकी लंबाई एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवा सीधे उड़ता है, तो करीब 90 किलोमीटर है। इस अद्भुत नज़ारे को देख करके मेरे समझ में आता है कि इस इलाके का ज़्यादा से ज़्यादा विकास होना चाहिए था, परंतु ये अफसोस की बात है कि रानीखेत, जो किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी तहसील हुआ करती थी, यहाँ से कई तहसीलों कटने की वजह से अब ये मात्र ताड़ीखेत, रानीखेत, ताड़ीखेत ब्लॉक और रानीखेत तहसील रह गई है। हमने इसी कारण एक अभियान रानीखेत जिला के नाम से फेसबुक में एक पेज बनाया है। तो ये सोशल मीडिया कैंपेन है, इसमें ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब वगैरह में हम अपनी बात कहते हैं, और जनता के वीडियो संदेश इस समय हम ले रहे हैं, जो कि अब तक 279 वीडियो संदेश हम लोगों के ले चुके हैं। और हमने इसका नाम रखा है अभियान रानीखेत जिला। फेसबुक में हमें करीब 1171 लाइक्स मिल चुके हैं, अर्थात कहने का मतलब यह है कि लोगों का हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। यहीं से नहीं, रानीखेत के जो प्रवासी हैं, जो बाहर बस गए हैं, दुबई में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में या अन्य विदेश में, अन्य कंट्रीज़ में, तो वहाँ से भी हमें बार बार ये आता कि भाई रानीखेत को जल्दी से जल्दी ज़िला बनना चाहिए, वैसे बनाओ। इत्तेफाक से इस समय बड़ा अच्छा मौका है, हमारे पुराने मित्र श्री हरीश रावत इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इसे ज़िला ज़रूर बनाएंगे। वैसे भी वो वायदा कर चुके हैं, 4 महीने पहले यहाँ आ करके उन्होंने कहा भाई ज़िला तो मैं बनाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरे पास अभी फाइनेंस की कमी है, वित्त की कमी है, तो वो वित्त का इंजाम करने की बात कर रहे थे।
मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि इन 4 महीनों के अंतर 4-5 महीनों के अंतराल में अब वित्त का प्रबंध अवश्य ही हो गया होगा और हमें उम्मीद की जानी करनी चाहिए कि जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ आएंगे तो 80 से जिला घोषित करने की कृपा करेंगे और घोषित ही नहीं और बाकायदा इसे अस्तित्व में लाने की कृपा करेंगे। इसी के साथ हम ये है हिमालय का नज़ारा और हम इस समय हिमालय के नज़ारे को देखते हुए आज की बात यहीं पर